ज्येष्ठ और निम्निष्ठ की परिभाषा बता दी है ना। अब हेडिंग लिखो, हेडिंग किसी फलन का, यही पे सवाल लगेगा, किसी फलन का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ ज्ञात करने का नियम, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ ज्ञात करने का नियम किसी फलन का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ ज्ञात करने का नियम किसी फलन का उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ ज्ञात करने का नियम हो गया ना। लिखो इसमें, इसके लिए सर्वप्रथम पहला नंबर है ये, जितना उस दिन बता दिए थे ना बस वही लिखना है। इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए फलन को लिखते हैं और dy dx का मान ज्ञात करते हैं, दिए गए फलन को लिखते हैं और dy dx का मान ज्ञात करते हैं, दिए गए फलन को लिखते हैं और dy dx का मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, हो गया ना। दूसरा नंबर लिखना, दूसरा नंबर, अब dy dx के बराबर जीरो मानते हैं, अब dy dx के बराबर जीरो मानते हैं, अर्थात dy dx बराबर जीरो, अर्थात dy dx बराबर जीरो, हो गया ना। dy dx बराबर जीरो हो गया। आगे लिख लेना कोष्ठक में काली पेन से, यही हो गया ना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ का पर्याप्त प्रतिबंध है, एक मिनट अनिवार्य, यही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ का अनिवार्य प्रतिबंध है, यही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ का अनिवार्य प्रतिबंध है, हो गया जी। आगे लिखना अगला नंबर, अब हो गया, dy dx का पुनः अवकलन करके, एक मिनट, अब dy dx बराबर जीरो, अब dy dx बराबर जीरो हो गया, को हल करके x के बराबर, एक मिनट,
हल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना। तो देखो पहला काम क्या हो गया, डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना, दूसरा काम डी बाई डी एक्स के बराबर 0 रखना, तीसरा काम इससे किसका मान निकालना, x का मान निकालना, हो गया ना। चौथा काम अब लिखो, अब डी वाई डी एक्स का पुनः अवकलन करके, डी वाई डी एक्स का पुनः अवकलन करके, डी वाई डी एक्स का पुनः अवकलन करके डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, हो गया ना। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, हो गया। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, अब तीसरे पद से प्राप्त x के मानों को, अब तीसरे पद से प्राप्त x के मानों को डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में रख देते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में रख देते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में रख देते हैं, हो गया ना। अब नीचे लिखना, अब पहला नंबर काली पेन से लिखना, x के जिस मान को रखने पर, x के जिस मान को रखने पर, x के जिस मान को रखने पर, हो गया, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, हो गया, ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, हो गया। अर्थात लिख लेना, अर्थात डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, हो गया। तो फलन उच्चिष्ट होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा, तो उच्चिष्ट कब होगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, x के जिस मान पर, 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 हो गया ना, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक आता है, धनात्मक आता है, धनात्मक
आता है, हो गया, अर्थात अर्थात डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो फलन निम्निष्ट होगा, तो फलन निम्निष्ट होगा, हो गया ना। बस नीचे आगे कोष्ठक में काली पेन से लिख देना, यही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का पर्याप्त प्रतिबंध है, यही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का पर्याप्त प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध है, आगे लिख देना, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब दोनों है याद रखे रहना, पर्याप्त प्रतिबंध है, आगे लिख देना फर्स्ट और सेकंड, ये दो पॉइंट लिखो ना इसमें, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों मिला के, क्योंकि एक तो उच्चिष्ट है और दूसरा किसका है, निम्निष्ट का। तो अगर तुमसे पूछा गया सवाल कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अनिवार्य प्रतिबंध क्या है, तुरंत बताना है डी वाई डी एक्स बराबर जीरो। पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, तो उच्चिष्ट के लिए डी वाई डी एक्स या डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, और निम्निष्ट के लिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों बताना होगा पर्याप्त के लिए, और अनिवार्य के लिए तो एक ही फिक्स है, चाहे उच्चिष्ट निकालना हो चाहे निम्निष्ट, डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो, पाठक लिखे हो गया ना, अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट, अब एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु को, अब एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु को, उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु को फलन वाई बराबर एफ एक्स लिख लेना, फलन वाई बराबर एफ एक्स में रखकर, फलन वाई बराबर एफ एक्स में रखकर, हो गया, फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं, फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं, फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना, ये हमारा दूसरा काम हो गया। इस तरह से उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हो, लेकिन एक कहानी यहां पे नहीं बननी चाहिए, ये तो ठीक है कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा है तो उच्चिष्ट हो गया, जीरो से बड़ा है तो निम्निष्ट हो गया, अगर जीरो आ गया तब क्या करेंगे, वैसा तो बचपन में भी हमने बताया, अगर जीरो आ गया तब हम डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, हो गया, और अगर डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब जीरो के बराबर नहीं है तब फलन न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट होगा, समझ गए। अगर क्या हुआ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जीरो हो गया, उसके बाद डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब भी जीरो हो गया, तब तुम डी फोर वाई डी एक्स फोर निकालोगे, हो गया ना, उसमें एक्स की वैल्यू रखोगे जो तुमने डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब से प्राप्त की है या जो डी वाई डी एक्स से प्राप्त किए हो, अंतर नहीं होगा, ठीक है, याद रखे रहना, उस डी फोर वाई डी एक्स फोर में तुम एक्स की वैल्यू रखोगे, अब वो बताएगा कि फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, डी फोर वाई डी एक्स फोर में अगर वैल्यू रखने पे उसी प्रकार से ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट, धनात्मक आया तो निम्निष्ट, अगर ये जीरो हो गया किसी भी प्रकार से तब तुम्हें चार बारी तक जाना पड़ेगा, याद रखे रहना, वैसे अगर तीसरा ही जीरो नहीं हुआ तब वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। तो नीचे हम लोग एक इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं, इंडिकेट पॉइंट,
ये तो हमारा हो गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट। लगभग सवाल तुम्हारे इसी पे लगेंगे, बहुत भोले भटके एक दो सवाल जो अब लिखवाने जा रहे हैं इंडिकेट पॉइंट उस पे मिल सकता है, हो सकता है मिले भी ना तुमको। अगर तुम ज्यादा अभ्यास में उदाहरण उदाहरण लगाओगे तभी मिलने की संभावना है एक दो सवाल, या अभ्यास में एक आध सवाल मिल जाएगा तुम्हें, देख लेना जैसा भी हो। तो लिखो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ लिखो इंडिकेट पॉइंट। एक्स के जिस मान के लिए, इंपॉर्टेंट मतलब ये भी है, मान के चलो अगर सवाल फंस गया तो फंसा देगा तुमको अगर नहीं ध्यान दिए तो। एक्स के हो गया जिस मान पर, एक्स के जिस मान पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है हो गया हो जाता है तो इस स्थिति में, इस स्थिति में डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हैं, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं हो गया, तथा इसमें, तथा इसमें एक्स के उस मान को रखते हैं, तथा उसमें या इसमें एक्स के उस मान को रखते हैं, एक्स के इस मान को रखते हैं हो गया ना, एक्स के इस मान को रखते हैं। अब यदि डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब का मान, अब यदि डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब का मान शून्य नहीं हुआ तो, शून्य नहीं हुआ हो गया ना, शून्य नहीं हुआ अर्थात लिख लेना, अर्थात डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब नॉट इज इक्वल जीरो, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब नॉट इज इक्वल जीरो, तो हो गया एक्स के, काली पेन से लिख लेना, तो एक्स के उस मान पर, तो एक्स के उस मान पर मान पर फलन न तो उच्चिष्ठ होगा न ही निम्निष्ठ होगा, फलन न तो उच्चिष्ठ होगा न ही निम्निष्ठ होगा, न ही निम्निष्ठ होगा निम्निष्ठ होगा हो गया ना। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखना, सिंगल इंडिकेट पॉइंट मतलब इसी के अंदर ही है, यदि यदि एक्स के उस मान पर, यदि एक्स के उस मान पर, ऊपर वाला तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं ध्यान में रखना क्योंकि सवाल वहीं से बनेंगे, अभी तक डी फोर वाला सवाल कहीं बना नहीं है ठीक। कहां तक लिखे, यदि एक्स के उस मान पर डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब हो गया भी शून्य हो गया, डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब भी शून्य हो गया, तो डी फोर वाई डी एक्स फोर निकालते हैं,
डी फोर वाई डी एक्स फोर निकालते हैं। अब ये सब जान रहे होगे क्या क्या है जितना लिखते जा रहे हैं। डी फोर वाई डी एक्स फोर निकालते हैं, हो गया, तथा इसमें x का मान रखते हैं, तथा इसमें x का मान रखते हैं, तथा इसमें x का मान रखते हैं, हो गया। अब x का मान रखने पर यदि अब x का मान रखने पर यदि यदि d4y dx4 इज लेस देन जीरो अर्थात ऋणात्मक इज लेस देन जीरो तो फलन उच्चिष्ट होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा यदि यदि d4y dx4 इज ग्रेटर देन जीरो, तो फलन निम्निष्ट होगा, तो फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो यहां तक पहुंचा दिए, आगे बढ़ते हैं। यदि ये जीरो आया फिर दो बार आगे बढ़ना पड़ेगा, d5x dx5 निकालना पड़ेगा। अगर वो जीरो नहीं आया तब कहेंगे फलन ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। अगर वो भी जीरो आ गया तब भी ये d6y dx6 निकालोगे। ऐसे ऐसे मतलब दो दो बार आगे बढ़ते जाना है। तो इतना बड़ा तुमको तो नहीं देगा, आठ घात वाला फलन देगा, तुम आठ बार आगे जाओ, समझ गए। चलो अगर d3y dx3 जीरो नहीं आया तब फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। ऐसा भी देखो एक सवाल बता देंगे, नहीं वो सब नहीं आएगा, मैक्सिमम तुम्हारा तीन तक मिला हुआ मतलब उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट, ठीक है ना। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है ये वाली, बहुत कम सवालों में मिलेगी। अब इस तरह का सवाल देने का मतलब समझते हो, कम से कम हमको फलन पांच घात वाला देना पड़ेगा, पांच घात वाला नहीं तो चार घात वाला तो कम से कम देना होगा। और चार घात से पता चला कि एक घात का कम बना अवकलन करने के बाद, उसके बराबर तुम जीरो किए तो तीन घात का बना। अब तीन घात का गुणनखंड करना आसान नहीं होता है, दो घात द्विघात समीकरण आसानी से हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, त्रिघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए शेषफल प्रमेय लगाना पड़ता है, समझ गए। और अगर कहीं पांच घात वाला दे दिया तो पांच घात का एक कम चार घात वाला होगा, चार घात का तो और कठिन हो जाएगा, उसमें दो बारी शेषफल प्रमेय लगाना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो इसीलिए इतना बड़ा तुमको सवाल नहीं देगा, सवाल मैक्सिमम तुमको चार घात तक इसमें मिलने वाले हैं, कुछ एक सवाल मतलब बहुत कम ही सवाल होंगे जो चार घात के होंगे, नहीं तो लगभग सवाल तीन घात पे दो घात पे बनेंगे जो आसानी से हल हो जाएंगे। और लगभग जो सवाल तुमसे पूछे जाते हैं वो तो साइन फलन वाला रहेगा और चरघातांकी फलन वाला रहेगा, ठीक है ना, जिसको इस मान से या इन सब से कोई लेना देना ही नहीं होता है, उन सब की चर्चा यहीं तक समाप्त हो जाती है। और लगभग सवाल तुमसे यही पूछे भी जाते हैं, एक इसमें ई की घात एक बट्टे ई वाला सवाल होगा, अगर पूरा अभ्यास पढ़े होगे ध्यान से तो मिला होगा, ई की घात एक बट्टे ई वाला सवाल रहा होगा, वो फिक्स से एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए, याद रखे रहना। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल जो इसमें इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा ये देखो उदाहरण नंबर चार ये कई बार पूछा गया है, उदाहरण नंबर चार के बाद तुम्हारा इधर उदाहरण नंबर दस ये देख रहे होगे, दोनों लगभग मिला के पांच तीन आठ साल पूछे गए, देख रहे हो सवाल नंबर दस दिख रहा है, ये दोनों एक ही सवाल है, बस थोड़ा सा उल्टा किया है, एक में बट्टे में कर दिया है और एक में ऊपर ही है, दिख रहा है ना। तो ये सब उसी तरीके का, इसको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। पहले तो हम लोग एक साधारण एग्जाम्पल पढ़ते हैं,
साधारण एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखो, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए हो गया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर किस मान के लिए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर हो गया उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर उच्चिष्ट या क्या है, निम्निष्ट है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट हैं, इनको याद रखो, इसी से हम सवाल को हल करेंगे। पहला काम डी वाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, दूसरा काम इसके बराबर जीरो रखेंगे, उससे एक्स का मान निकालेंगे, फिर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू रखेंगे, अगर जीरो से छोटा आया तो उच्चिष्ट और जीरो से बड़ा आया तो निम्निष्ट, ठीक है ना। इतना काम करना है, पहला सवाल हमारा यहीं तक जाएगा, क्योंकि बस उसने पूछा है उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, हो गया ना। आगे लिख लो, तथा उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान भी ज्ञात करो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान भी ज्ञात करो। सारे सवाल एक ही में बता दे रहे हैं, मान भी ज्ञात कर लोगे, हो गया ना, हो गया। अब देखो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सवाल कहता है, क्या कहता है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, चलो फोर ही करते हैं, फोर है ना, चलो। अब देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये हमारा सवाल है, इसको हमने y के बराबर किताब में दिया नहीं था, सवाल में दिया नहीं है y के बराबर, उनको मान लेना है सवाल, क्योंकि अभी अवकलन टेस्ट होने वाला है आज, उसमें पढ़े ही होंगे सबको y के बराबर ही पढ़े मान, तो अगर अवकलन करना है तो y के बराबर हमको मानना ही पड़ेगा। अब शुरू करो, देखो प्रारंभ करते हैं, dy dx बराबर ddx x क्यूब, क्योंकि सब प्लस माइनस में है ना, जितने प्लस माइनस है सबको अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, तो x क्यूब का कर लिया जाए, माइनस इसमें तीन अचर पद है, तीन के साथ x गुणा में है, तो अचर पद को बाहर कर दो, और ddx किसका, x का, और इसमें चार ही है इसलिए इसको सीधे अवकलन कर दो। अब क्या हुआ, इसमें घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, होगा ना, उसके बाद माइनस तीन और x का अवकलन, एक प्लस ये जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कितना थ्री, ये क्या आ गया जी, dy dx, क्योंकि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, ऐसे लिखना होगा तुम्हें, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, यही क्वेश्चन नंबर वन हो गया ना, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy dx इज इक्वल जीरो। पहला काम हमने क्या किया, dy dx निकाल दिया, फिर अपने अनिवार्य प्रतिबंध का प्रयोग किया हमने, जो फिक्स है लगाना, बिना इसके लगाए उच्चिष्ट निम्निष्ट तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको लगाना अति आवश्यक है, अर्थात dy dx की वैल्यू जीरो। क्या होगा जी, यहाँ पे dy dx की वैल्यू आई तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन बराबर जीरो, तो तीन एक्स स्क्वायर बराबर कितना तीन, हो गया ना, तो ये उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर तीन बट्टे कितना तीन, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर या एक्स बराबर कहें तो तीन से तीन कट गया था तो एक बचा था ना, मतलब एक्स बराबर क्या बच गया, करणी में एक, करणी से बाहर निकलेगा तो उसके बाहर प्लस माइनस लग जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस और एक माइनस, दो वैल्यू ठीक भी है,
क्योंकि ये द्विघात समीकरण था और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं, इसलिए दोनों लिखना आवश्यक था, केवल प्लस एक नहीं लिख सकते। ठीक है, हो सकता हो प्लस एक पे उच्चिष्ट हो माइनस एक पे निमिष्ट हो, उसने केवल तुमसे ऐसा नहीं पूछा है कि हमको उच्चिष्ट मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू केवल नहीं पूछा है, उसने उच्चिष्ट या निमिष्ट बोल दिया। माने तो अगर उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट निकालना है, निमिष्ट है तो निमिष्ट भी निकालना है, याद रखते रहना। इसलिए दोनों पे हमको चेक करना होगा, उच्चिष्ट भी है कि निमिष्ट है, ठीक है ना, याद रखते रहना। अब देखो शुरू करना है, x की वैल्यू निकाल दिए, अगला काम क्या करना है, dy dx का पुनः अवकलन करके d2y dx स्क्वायर निकालो। ये सीखना तुमको dy dx, वैसे लिखो समीकरण एक का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, समीकरण एक का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो dx ऑफ dy dx बराबर इधर तीन बाहर dx ऑफ किसका, x स्क्वायर का, माइनस dx ऑफ किसका जी, तीन का। ये हो गया हमारा तीन, गुणा घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, माइनस ये जीरो, अर्थात आ गया d2y dx स्क्वायर बराबर कितना जी, 6x। x बराबर अब क्या रखने पर, दो मान है हमारे पास, एक प्लस एक और एक माइनस एक, तो x बराबर प्लस एक रखने पर ध्यान से देखना d2y dx वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 × 1 बराबर 6, जो क्या है धनात्मक है ना, जो धनात्मक है, प्लस में आया तो धनात्मक है, ऋणात्मक तो होगा नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पे लिख लेना अब x बराबर प्लस एक पर हो गया ना, फलन क्या होगा जी, निमिष्ट होगा, हो गया ना। अब आगे ध्यान से देखो, निमिष्ट तो हमने पता कर लिया, उच्चिष्ट भी पता कर लेते हैं, क्या होगा x बराबर क्या रखने पर जी, माइनस एक रखने पर, रख दिया जाए माइनस एक इसमें, अब कहां पर दो है ना, कहां पर जी, समीकरण दो में, तो रखो फटाक से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 × -1 बराबर क्या आया, माइनस 6, जो क्या है ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर माइनस एक पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट और निमिष्ट बिंदु तो हमने ज्ञात कर लिए, अब इसको उठाना होगा या फलन में रखना होगा, तब जाके हमें उच्चिष्ट और निमिष्ट मान मिल जाएंगे। अभी ये मत समझ लेना कि ये जो 6 और -6 आया यही उच्चिष्ट और निमिष्ट मान है, उन्होंने तो खाली हमको ये बताया कि फलन उच्चिष्ट है कि निमिष्ट है। फलन का अगर उच्चिष्ट वैल्यू निकालना है या निमिष्ट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हमको पहुंचना होगा, क्योंकि फलन तो ये है ना, फलन के उच्चिष्ट मान को ये कैसे प्रदर्शित कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है, वो केवल ये जानकारी दे सकता है कि फलन उच्चिष्ट है कि निमिष्ट है। उच्चिष्ट और निमिष्ट मान निकालने के लिए हम पुनः यहाँ पहुंचते हैं, उच्चिष्ट मान के लिए इसमें x बराबर माइनस एक रखते हैं और निमिष्ट मान के लिए x बराबर प्लस एक रखते हैं, समझ गए, तो नोट करो फटाक से, सब चेक कर लिया जाए आगे, जल्दी छापो जितना तेज हो सके फुल स्पीड में। जल्दी करो हट जाए। चलो देखो बिंदु तो निकल गया है, नीचे अब लिखो उच्चिष्ट तथा निमिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट तथा
निम्निष्ठ माल के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए हो गया ना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए फलन में आ जाओ। फलन y बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस कितना 4 हो गया ना। अब ध्यान देने वाली बात है, पहला उच्चिष्ट मान के लिए, किसके लिए जी, उच्चिष्ट मान के लिए कितना रखना होगा हमें, x बराबर माइनस एक रखने पर y बराबर हो जाएगा माइनस एक का क्यूब माइनस तीन गुणा माइनस एक और प्लस कितना 4। ये देखो इसका क्यूब तो माइनस एक ही रह गया, क्योंकि माइनस पे जैसे ही विषम घात लगी उसका मान माइनस ही रहता है। माइनस माइनस प्लस तीन प्लस 4, 4 तीन 7, 7 में से एक गया तो 6। यही कौन सा मान है जी, उच्चिष्ट मान हो गया ना। फिर दूसरा निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए x बराबर क्या रखने पर, प्लस एक रखने पर y बराबर रखो प्लस एक, क्या होगा जी, है एक का क्यूब माइनस तीन गुणा एक प्लस 4, तो एक का क्यूब एक माइनस तीन प्लस 4, 4 और एक 5, 5 इसमें 3 घट गया, कितना आ गया जी 2 आ गया, y का मान 2। ये कौन सा मान है, निम्निष्ठ मान, छाप लो जल्दी। नोट कर लो, अब लग जाएगा ना सवाल, अब सब सवाल लगा सकते हो, तरीका पता चल गया कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ एक दो सवाल फंसेंगे तो उनको कल देख लिया जाएगा, अभी कल एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे इसमें इम्पोर्टेंट वाला।